नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बेहतरीन आईपीओ अभी चल रहा है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो तीन आईपीओ है। सबसे पहला हमारा यूटीआई एमसी आईपीओ। लेकिन दोस्तों एक बात करें कि जो प्रीमियम है ग्रे मार्केट में वो काफ़ी लॉस्ट हो चुका है, तो हो सकता है आपको लिस्टिंग गेन बहुत कम मिले या नहीं भी मिले, तो इसलिए आप सोच समझ करके अप्लाई कीजिएगा। तो पहला है यूटीआई एएमसी आईपीओ और दूसरा जो हमारा मजागांव डक आईपीओ, इसका प्रीमियम अभी भी अच्छा खासा चल रहा है। ये अभी भी अच्छे प्रीमियम पर ये मतलब ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहा है ये आईपीओ, तो आप इसके लिए निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आज मार्केट न्यूट्रल ओपन हुआ, इस तरह अगर न्यूट्रल भी होता है तो निश्चित है आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। और तीसरा जो हमारा है लखीता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ, दोस्तों ये भी आईपीओ है जो कि अभी चल रहा है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम लगभग जीरो है। तो ये तीन आईपीओ है जिसके लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो अपडेट देना था कि आपको तीन आईपीओ में से सिर्फ एक जो मजगांव डक आईपीओ है उसी के लिए अप्लाई करना है, जो यूटीआई एमसी आईपीओ है उसके लिए अप्लाई करने से आप बचें, और साथ साथ जो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ है इसके लिए भी अप्लाई करने से आप बचें। अगर बात करें तीनों में से कौन बेहतरीन लिस्टिंग गेन आपको देगा, तो वो है मजगांव डक आईपीओ। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप यूटीआई एमसी आईपीओ में अगर नीचे के प्राइस पे कभी मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आईपीओ में अप्लाई करने से बचें। और जो लखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ है ये भी देख सकते हैं, इसका जो अगर आप रेवेन्यू मॉडल देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए रेवेन्यू इस कंपनी का भी लगातार इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट भी देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है, 7 करोड़ था, उसके बाद हो गया 17 करोड़, उसके बाद हो गया 19 करोड़, तो लगातार इंक्रीज हुआ है। लेकिन मार्केट में डिमांड और सप्लाई रूल को समझना पड़ेगा, जब डिमांड ज़्यादा होगा तभी हमारा वो आईपीओ का जो प्रीमियम है काफ़ी बढ़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई के रूल को हमेशा समझना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जो एएमसी है मतलब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इस सब का अभी जो पैंडमिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन गिरा है, क्योंकि अभी जो हमारे ज़्यादातर आदमी है वो रुपया के स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं, रुपया की कमी को फेस कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको अन्य सारे आईपीओ में भी ध्यान रखना है, कौन सा आईपीओ अभी बेहतरीन मतलब रिटर्न आपको दे सकता है। तो वो आईपीओ जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से हो, केमिकल सेक्टर से हो, फार्मा सेक्टर से हो, तो इसलिए आपको मजगांव डक आईपीओ में थोड़ा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, क्योंकि ये हमारा एक गवर्नमेंट कंपनी और एक डिफेंस रिलेटेड कंपनी, और डिफेंस के जो भी स्टॉक उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको तेजी देखने मिला, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत अब जो सारे मिसाइल्स हैं, सारी चीज़ें जो है वो भारत खुद बनाएगा, जिसके कारण जो भी मतलब डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है उसमें काफ़ी तेजी देखने मिले, साथ साथ मजगांव डक आईपीओ का डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। वहीं लखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की बात करें तो ये देखते हैं बुक बिल्डिंग इश्यू टाइप है, इश्यू साइज इसका है 61 करोड़ का, और जो इसका आपको फेस वैल्यू है 10 है, प्राइस जो आईपीओ का वो है 117 रुपये से 120 रुपये, मार्केट लॉट जो है हमारा 125 शेयर का है, तो आप इसके लिए चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे आप पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।